हेलो, नमस्ते केजरीवाल जी, हम 97 से जीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं। 25 साल से भी नौकरी कर रहा हूं। हमारा सब बाबा बेबी 25 साल का 22 साल का हो गया। हमारा पगार पहले 1700-1800 फिक्स था, गुजरात सरकार ने उसे जीएसएफ बनाई थी। 2002 में गृह सचिव, जो गृह मंत्री है, गृह सचिव है, उसने एक निकाला था पत्र कि जीएसएफ लीगल है, जीएसएफ गुजरात सरकार का पार्ट है। फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीबी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हम महाराष्ट्र सरकार ने जो बनाया एमआईएसएफ, उसमें जीएसएफ महाराष्ट्र का जो गार्ड है एमआईएसएफ, जीएसएफ सिर्फ ढंग से बना। पहले जीएसएफ 97 में बना, 2003 में एमआईएसएफ बना। उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पगार मिलता है 37,500, हमको पगार मिलता है 37,000। और यहाँ जो भर्ती 11,000 पगार मिलता है, यहाँ जो भर्ती हुई उसमें जो अभी भर्ती वो कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार आप चाहिए कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जिस डॉक्टर ने बताया कि इनलीगल है, डॉक्टर ने बताया अनफिट है, तो अनफिट है फिर भी हमारी ऑफिस ने उसको ऑर्डर दिया। वो युवराज भाई को सभी हमने जो भ्रष्टाचार है वो युवराज भाई को दिया है। हमारी विनती है कि आपकी सरकार आए, हम सरकार में है 25 साल से, गुजरात की विधानसभा, गुजरात आरटीओ, गुजरात आपका जो मंदिर है, जीएमबी, सभी जगह, गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं। इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार भर। और शुरू आईपीएस हमारे उसमें सीओ पद पे, वो सब है ना, सीओ पद पे भाजपा का जो आता है वो रिटायर्ड आईपीएस रखता है, वो रिटायर्ड, तो आप आए तो शुरू आईपीएस, उसको सस्पेंड होने का डर लगता है, इसलिए शुरू आईपीएस रखो, ऐसी विनती है। और भ्रष्टाचार मिटाओ। जय भीम, जय संविधान।